Hello students, welcome to Real Learning World. And now I'm going to start question number 4, exercise 10.1, chapter 10, mensuration, class 6. So let's start the question. Question number 4 is, what is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 cm and 21 cm respectively? Question ye hai bachcho ke, वट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, कितनी वुडन स्ट्रिप की जरूरत होगी, यानी कितने वुड की जरूरत होगी एक फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए. एक फोटोग्राफ है, उसका फ्रेम बनाना है, सो उसके फ्रेम को बनाने के लिए कितने वुडन स्ट्रिप की जरूरत होगी. अगर उस फोटोग्राफ का लेंथ और ब्रेथ जो है 32 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो सो 32 सेंटीमीटर इज लेंथ एंड 21 सेंटीमीटर इज ब्रेथ. सो लेंथ और ब्रेथ जो है वो फोटोग्राफ का गिवन है और इस फोटोग्राफ को फ्रेम करना है. जैसे ये एक फोटोग्राफ है, सो फोटो इस तरह से बीच में लग जाती है बच्चों, और यहां पे बनता है एक फ्रेम. सो ये फ्रेम बनेगा वुड का, ठीक है. तो इसके लिए कितने वुड की जरूरत होगी, जो वुडन स्ट्रिप होगी उस वुडन स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी वो हमें बताना है. तो यहां पे देखिए बच्चों, फ्रेम जो है वो बाउंड्री पे लगेगा, ठीक है, चारों तरफ लगेगा फ्रेम. सो जब हम बाउंड्री की बात करते हैं तो हम निकालते हैं पेरीमीटर, ठीक है. सो यहां हमें पेरीमीटर निकालना है. अब यहां पेरीमीटर हमें किसका निकालना है बच्चों, तो यहां देखिए हमारे पास है लेंथ और ब्रेथ, दैट मीन्स हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का. ओके, सो यहां हम फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का. ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ फोटोग्राफ. सो फोटोग्राफ का लेंथ है 32 सेंटीमीटर. अब लिखेंगे ब्रेथ ऑफ फोटोग्राफ, और ब्रेथ गिवन है 21 सेंटीमीटर. हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. सो बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि हम यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो फोटोग्राफ है वो रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है. तो यहाँ पर हम इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं, जो कि है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 मल्टीप्लाई बाय, अब लेंथ कितना लेंथ है 32 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ कितना है 21 सेंटीमीटर. 2 मल्टीप्लाई बाय, इनको हम ऐड कर लेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 एंड 1 3, 2 एंड 3 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 सेंटीमीटर. इसका मतलब 106 सेंटीमीटर वुडन स्ट्रिप की जरूरत है फोटो फ्रेम के लिए. सो हम यहां लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप required is equals to 106 centimeters. Okay बच्चों, तो सबसे पहले हमने लिखा length of photograph that is 32 centimeter, breadth of photograph 21 centimeter. अब हमने perimeter निकाला है इस photograph का, 2 multiply bracket में length plus breadth. length की जगह हमने 32 centimeter लिखा, breadth की जगह हमने 21 centimeter लिखा, इनको हमने add किया तो 53 मल्टीप्लाई बाय 2 106 सेंटीमीटर. सो इस फोटोग्राफ के फ्रेम को बनाने के लिए जो वुडन स्ट्रिप यूज होगी वो 106 सेंटीमीटर लंबी होगी. ऑल राइट बच्चों, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो चुका है. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. थैंक यू सो मच.